आज सुबह से एक ट्विटर पे जो हैशटैग चल रहा है वो मोदी जी से रिलेटेड है। देश के जितने भी फैंस हैं सुशांत के, देश और विदेश के, उन्होंने मोदी जी से गुहार लगाई है कि इस मैटर पे न्याय दिलाएं। और आज बिहार का दौरा भी है और बिहार में चुनाव बड़ी सरगर्मी से चालू है, तो सारे फैंस की ये डिमांड है कि बिहार के चुनाव के मद्देनज़र, और सुशांत बिहार के रहने वाले थे, तो कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होगा, कुछ मोदी जी ऐसा कुछ सुशांत के फैंस के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ कहेंगे। लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ एक बताने वाला हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरे बिहार के लोग और पूरे देश और विदेश के लोग ये बात मान के चल रहे हैं कि बिहार के चुनाव से कुछ कनेक्शन होगा। बिहार के चुनाव जब तक हो रहे हैं तब तक हमारा दबाव बिहार के जो एक वोटर है और जो नेता हैं उन पे बनाया जाए। और बहुत सारी चर्चाएं चल रही है कि नो वोट नो जस्टिस, जस्टिस अगर आप नहीं देंगे तो हम वोट नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें चल रही है और सारे फैंस को ये उम्मीद है, एक अंदाज़ा है, एक आशा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो बिहार का दौरा चल रहा है तो उसमें कुछ वो बड़ा अनाउंसमेंट करें, सुशांत के लिए न्याय के लिए कुछ वो अपनी बात रखेंगे आम जनता के बीच में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पहली रैली अभी सुबह सुबह सासाराम में चल रही थी। सासाराम की रैली में प्रधानमंत्री ने सुशांत से संबंधित कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है, एक कोई भी बयान नहीं है। सुशांत के फैंस किसी भी बयान नहीं जारी करने के कारण बहुत ही मायूस है, बहुत ही गुस्से में है और वो चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जब बिहार के दौरे पे गए हुए हैं तो उन्हें इस विषय में कुछ बोलना चाहिए, उन्हें इस विषय में आगे आकर के ये पूरे देश की जनता को ये बताना चाहिए, क्योंकि सुशांत बिहार का लड़का था, बिहार का बेटा था और बिहार के बेटे के लिए बिहार में जो ये जो चुनावी गतिविधियाँ चल रही है, बिहार में सभी दलों के बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँच चुके हैं और वोट की राजनीति में सब लोग मशहूर हैं, तो इस कंडीशन में सबको ये उम्मीद बन गई है कि सुशांत से संबंधित कुछ बड़ा एक घोषणा हो सकता है, बड़ा एक बयान जारी हो सकता है। लेकिन अभी तक पहली रैली मोदी जी की ख़त्म हो गई है, सुशांत के फैंस में बहुत ही मायूसी है, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया, कोई वक्तव्य नहीं दिया, तो अब देखते हैं आज और जो दूसरी और तीसरी रैली है उसमें क्या होता है, क्योंकि आज कुल तीन रैलियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिहार में। पहली रैली में तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं है, दूसरी रैली के अपडेट मैं आपको दूंगा और तीनों रैली के बारे में मैं अपडेट आपको दूंगा और ये देखूंगा कि सुशांत के लिए क्या करता है देश की जनता और देश की जो फैंस हैं वो लगातार इंतज़ार में हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोई एक बड़ा अनाउंसमेंट हो और हम लोग भी इंतज़ार में हैं। इसलिए हमारी अब अगली रैली पे नज़र रहेगी, उनका भाषण, उनका क्या है वक्तव्य, उस पे ध्यान रहेगा और लगातार आप भी नज़र बनाए रखिए। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है, एकता ज़रूर बनाए रखिए और आवाज़ सुशांत के न्याय के लिए बुलंद करते रहिए। जय हिंद।